चलें अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा गवर्नमेंट बजट से। अगर मैं तुमसे थोड़ी सी बात बोलूं तो मैंने हमेशा आपको बताया है बेटा स्मार्ट वर्क के हिसाब से पहले आपको ये जान लेना चाहिए चैप्टर है कितने मार्क्स का। बहुत फायदेमंद चैप्टर है बेटा क्योंकि ये अकेला चैप्टर मैंने पूरी बुक में दिखाया तो चैप्टर तो एक है और अकेला 8 मार्क्स का आता है बेटा। हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर है अगर मैं देखो बताऊं तो इसका आरओआई बहुत ज्यादा है, रिटर्न ऑन टाइम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अकेला चैप्टर, एक सिंगल चैप्टर 8 मार्क का। अगर तुम बाकी मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर देखोगे तो 2-3 चैप्टर मिला के 8 मार्क के आ रहे हैं, 10 मार्क के आ रहे हैं। ये अकेला चैप्टर 8 मार्क का आ रहा है। और बेटा इसमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, तो अगर अपन बात करें तो मेरे पास ये पार्ट है जहाँ पे चैप्टर 4 मार्क का होता है और बस वो पार्ट है जहाँ पे चैप्टर 4 मार्क का होता है। या मैं बोलूँ 4 मार्क्स इधर 4 मार्क्स इधर, बहुत बार 4+2 6 मार्क इधर और 2 मार्क इधर। बेटा चैप्टर बटाओ कैसे, अगर आप बजट पढ़ना शुरू कर रहे हो तो बजट के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ने, पहली बात तो। सेकंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ना है। कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़नी बेटा, बहुत सिस्टमेटिक ध्यान दे कि इतना चैप्टर तेरा आधा कराता है और ये जो तेरा आधा पार्ट है जहाँ पे बजट निकल जाता है अपनी कहानी में डेफिसिट की। सर डेफिसिट की कहानी मतलब कमी की कहानी, एक अलग ही पार्ट चलता है। अब अगर मैं देखो थोड़ा सा एग्जाम पेपर के बारे में बताना शुरू करूं तो एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट तुम्हारी बुक में दिए 2 पेज के अंदर और बच्चा सोचता है ये मैं आराम से लेस इंपॉर्टेंट मान के पढ़ लेता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट जो पहले के 2 पेजेस हैं तुम्हारी बुक के उसके अंदर ही तेरा 4 मार्क का खेल चल रहा है। 90% ऑफ द टाइम किसी न किसी एक ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट में क्वेश्चन आता ही आता है। जो तेरा बीच का पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे देखो 2-3 मार्क के क्वेश्चन मिलते हैं। कैसे मिलते हैं मैं तेको बताऊंगा। और तो बता आखिरी के जो तुम्हारे 2 पेज होते हैं जहाँ पे चैप्टर डेफिसिट में आता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इन सब के बारे में कहानियां होती हैं। तो बेटा अपन स्टार्ट करते हैं विद द बजट की डेफिनेशन। सर क्या एग्जाम में डिफाइंड गवर्नमेंट बजट पूछा गया है? हाँ बेटा, डिफाइंड गवर्नमेंट बजट पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, मैं देखो बता रहा हूँ, मैं 2006 पास आउट हूँ से आज 2018, इन 12 सालों में इन आंखों ने ऐसा एक क्वेश्चन नहीं देखा, पेपर नहीं देखा जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पे क्वेश्चन नहीं आया हो। तो जब मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के बारे में बात कर रहा हूँ तो देखो समझना पड़ेगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वी आर स्टार्टिंग आउट विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का होता है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सर गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर जाता हूँ। गवर्नमेंट बजट रिफर्स टू द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ टोटल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। गवर्नमेंट बजट रिफर्स टू द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ टोटल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर सरकार कितना आपसे लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स, और सरकार कितना आपको देती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, वो ही तुम्हारा क्या होता है गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ टोटल गवर्नमेंट रिसिप्ट एंड टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर का पहला ऑब्जेक्टिव रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सरकार अपने बजट से कुछ इस प्रकार का बजट चाहती है, चार्जिंग हैवी टैक्सेस फ्रॉम रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू पुअर। सरकार बोलती है जिनके पास इनकम ज्यादा है उनसे अलग अलग चीजों पर टैक्सेस ज्यादा चार्ज करो। अगर आप 3 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो आप पे 10% टैक्स, आप 5 लाख से ऊपर कमा रहे हो 20% टैक्स, आप 10 लाख से ऊपर कमा रहे हो 30% टैक्स, अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो आपसे हम टैक्सेस ज्यादा लेंगे, अगर तुम मर्सिडीज ले रहे हो, अगर तुम महंगी गाड़ियां ले रहे हो तो हम तुमसे टैक्सेस ज्यादा लेंगे ताकि हम तुम्हारी इनकम कम करके उन लोगों तक वो रिसोर्सेस पहुंचा पाए जिनके पास इनकम नहीं है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। आप चाहे इस साल का बजट देख लो चाहे आप लास्ट ईयर का बजट देख लो, सरकार ने चाहा क्या, सरकार ने डीमोनेटाइजेशन के थ्रू, सरकार ने अलग अलग चीजों के थ्रू चाहा क्या कि जो अमीर है उनसे पैसा निकाला जाए और जो बहुत गरीब है उन तक पैसा पहुंचाया जाए ताकि इकोनॉमी में क्या आ पाए इक्वलिटी, इकोनॉमी में क्या आ पाए इक्वलिटी। तो अगर अपन बात करें पहला ऑब्जेक्टिव रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एट विच गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ट्राई टू चार्ज अ proportionate taxes from the richer section of the society and providing subsidies to the poorer section of the society. But a second jo point hai wo the reallocation of resources. Sir, reallocation of resources ka matlab jo resources government ke paas hai wo kaise alag alag sections of the society mein for developmental और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के फॉर्म में एलोकेट किए जाए. लेट्स से एग्जांपल लेता हूं, जिनके पास एक जमीन से ज्यादा जमीन खुद के नाम पर लैंड, अगर मेरे पास 5000 एकड़ की लैंड है तो सरकार बोलती है क्यों ना हितेश सर से 5000 की एकड़ की लैंड पे या तो कुछ टैक्स चार्ज करके या कुछ और चार्ज करके कुछ हिस्सा ले लिया जाए और ताकि कुछ गरीबों में वही हिस्सा बांट दिया जाए, गरीबों में वही हिस्सा बांट दिया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट पे या गरीबों को मकान बना के दे दिया जाए. तो ये क्या हो गया, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. कहीं ऐसा तो नहीं सरकार होती है बहुत सारा जो प्राइवेट के हाथ में पैसा है या प्राइवेट के हाथ में जमीन है या प्राइवेट के हाथ में रिसोर्सेज है, क्यों ना वहां पे पब्लिक यूटिलिटीज का सामान बनाया जाए. सर पब्लिक यूटिलिटी मतलब क्या, अगर कोई लैंड ऐसी ही पड़ी हुई तो वहां पे पब्लिक टॉयलेट बना दी जाए, वहाँ पे कोई अम्यूजमेंट पार्क बना दिया जाए, वहाँ पे कोई भी पब्लिक वेलफेयर के काम को स्टार्ट किया जाए, वहाँ पे कोई रोड बना दिया जाए. तो इसको बोलते हैं बेटा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स टू द रीएलोकेट रिसोर्सेज फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन एनी केस. सरकार इसी को बेटा एक्सटर्नलिटीज, बेटा एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सटर्नल फैक्टर फॉर विच यू आर नेवर पेड ऑफ. सर इसका मतलब क्या, एक्सटर्नलिटी का मतलब क्या, एक्सटर्नलिटी मतलब सरकार आपको एक्सटर्नलिटीज प्रोवाइड करती है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से. सर एग्जांपल, सरकार ने मेरे घर के सामने बहुत अच्छा सा रोड बना दिया, बहुत प्यारा रोड, लोग उसको रोड को देखना था, सामने हमारा अम्यूजमेंट पार्क बना दिया, गवर्नमेंट का रीजनल पार्क बन गया बड़ा था, क्या इससे इनडायरेक्टली मेरे घर की वैल्यू बढ़ गई, क्या इससे इनडायरेक्टली मेरा घर और अच्छे से लोकेट हो पा रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज. ऑन द कंट्री सरकार ने मेरे घर के सामने गड्ढे खोद दिए, नाला बह रहा है, सुअर नहा रहे हैं उसके अंदर, अब इससे मेरे घर की लोकेशन खराब दिख रही है, इससे मेरा घर के आसपास घास आ रही है, चीजें आ रही, तो बेटा ये होगी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. तो सरकार रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू एक्सटर्नलिटीज क्रिएट करती है, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव. बेटा दो पॉइंट्स आपने पढ़े हैं गवर्नमेंट बजट के, आई सपोज पहला कह रहा तुम्हारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड सेकंड तुम्हारे पास कह रहा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. बेटा थर्ड है तुम्हारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. बेटा जिस मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं, जिस मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, तो बेटा रोज की रोज नए नए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कभी कोई कंप्यूटर बढ़ जा रहा है, कभी कोई MNC आ जा रही है, कभी अमेरिका में कोई चेंज आ रहा है, इससे आपके अंदर कोई चेंज आ रहा है, कभी डीमोनेटाइजेशन आ रहा है, इससे इकोनॉमी के इन साइकिल्स में चलती है. कौन कौन से साइकिल बेटा, बूम, ऐसे ऊपर गया तो बूम, नीचे आया तो रिसेशन, फिर क्या बेटा डिप्रेशन, और फिर क्या रिकवरी. तो अगर मैं देखो बताऊं इकोनॉमिक ऐसे साइकिल में अगर चल रही है तो सरकार नहीं चाहती ये साइकिल चले, कि इकोनॉमिक के लिए बूम भी बुरा है, रिसेशन भी बुरा है, डिप्रेशन भी बुरा है. इकोनॉमी चाहती है कि इकोनॉमी ऐसे चले बेटा लाइन ऑफ स्टेबिलिटी में चले. अगर इकोनॉमिक को लाइन ऑफ स्टेबिलिटी में चलाना है तो सरकार मीन्स गवर्नमेंट बजट थ्रू इट्स पॉलिसीज प्लांट such expenditures and such receipts so that economy runs in a stable manner. It neither boom any factor nor recess any of the sector of the economy. तो economic stability का मतलब होता है कि economy के अंदर आने वाले उतार चढ़ाव कम से कम रहे, ताकि जो चीज़ बढ़ रही है उसको थोड़ा कम करवा दो, जो चीज़ बहुत ही डिप्रेस में चल रही है उसको थोड़ा उठा दो, ताकि economy के अंदर क्या रहे, ओवरऑल मेंटेनेंस बना रहे. सर सरकार का फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव और मतलब रीजनल इक्वलिटी, इंटर रीजनल इक्वलिटी. सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटर रीजनल इक्वलिटी, तो बेटा समझना, अगर मैं तेको बताऊं आज तू महाराष्ट्र के मुंबई में रह रहा है, वहां पे तेरे पास सारी सारी फैसिलिटीज है, वहां पे इकोनॉमी 10 लाख करोड़ रुपए पर डे का बिजनेस करी, एंड नॉट अराउंड 10 लाख से 10 लाख करोड़ रुपीज का इकोनॉमी बिजनेस करी, सब है, लाइट्स है, MNC है, सब कुछ है. बट अगर मैं तेको बताऊं आसाम, मिजोरम, अगर ये ऐसे जगह जहाँ पे 70% ऑफ द एरिया ही जंगल है,
अगर 70% ऑफ एरिया ही फॉरेस्ट है, यहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ पे एमिनिटीज नहीं है, तो सरकार क्या चाहेगी? इंटर रीजनल इक्वलिटी, मीन्स मुंबई से थोड़ा ज्यादा टैक्स लेके क्यों ना आसाम को डेवलप करा जाए, मुंबई या इंदौर से थोड़ा ज्यादा टैक्स लेके क्यों ना आसपास के गाँव को डेवलप करा जाए, ताकि ओवरऑल इंटर रीजनल क्या बनी रहे, इक्वलिटी। तो ये गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो हिस्सा ज्यादा कमा रहा है वहां से थोड़ा टैक्सेस चार्ज करके किसी प्रकार से जो हिस्सा पीछे है जिसको डेवलप करना बाकी है उसको अच्छे से डेवलप किया जा सके। बोलो कोई डाउट तो नहीं था? तो ये हो गया तुम्हारी इंटर रीजनल इक्वलिटी। बेटा फिफ्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट मैं तुमको बताना चाहूंगा बहुत अच्छे से। तो फिफ्थ ऑब्जेक्ट होता है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं अगर समझाना चाहूं तो बेटा जब भी आप गवर्नमेंट बजट के प्लान्स देखोगे, जैसा भी नया बजट आता है, बहुत बार 28 फरवरी को, आजकल वो 1 मार्च को आने लग गया है, तो जब भी गवर्नमेंट बजट आता है तो गवर्नमेंट बजट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कैसे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप करी जाए ताकि देश के चाहे वो युवा हो चाहे वो कोई भी हो उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो सरकार ऐसे अलग अलग प्लांट एंड डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर प्लान करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो गया, डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, अगर मैं इंफॉर्मेशन सेक्टर हो गया तुम्हारा एंटरप्रेन्योर सेक्टर हो गया। सरकार अलग अलग स्कीम्स के थ्रू इस प्रकार से पैसे को एलोकेट करती है जिससे हर तरीके से क्या हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। तो सरकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि देश के युवाओं को चाहे देश के सब लोगों को प्रॉपर क्या मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहे कैसे भी। तो अगर अपन बात करें ये होता है ग्रोथ ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं बात करूं सरकार का सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव होता है बेटा हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अगर मैं तेरे को बताऊं तो क्या जीडीपी को बढ़ाना भी जरूरी है? जीडीपी मतलब क्या, देश की नेशनल इनकम, देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सरकार इस प्रकार से ट्राई करती है हर एक सेक्टर को, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो बेटा वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर हो, सरकार अपने द्वारा दी हुई सब्सिडीज, फैसिलिटीज, एक्सटर्नलिटीज कुछ इस प्रकार से प्लान करती है ताकि सरकार का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, जीडीपी एक अच्छे लेवल तक बढ़ पाए, देश की नेशनल इनकम बढ़े। कि जब तक जीडीपी नहीं बढ़ेगा गवर्नमेंट बजट का पहला ऑब्जेक्ट, पहला एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मींस चार्जिंग हैवी टैक्सेस फ्रॉम द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द पुअर, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मींस टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी सो दैट इट कैन कन्वर्ट इनटू एक्सटर्नलिटीज एज अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव। तो सेकंड था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो इकोनॉमी घूमती घूमती आती है ना, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, गवर्नमेंट वो नहीं जाती, गवर्नमेंट जाती लाइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो इकोनॉमिक तो बेटा फोर्थ तुम्हारा था इंटर रीजनल इक्विलिटी, ताकि कोई भी एक रीजन पीछे ना रह जाए और एक रीजन आगे ना बढ़ जाए। तो फोर्थ था इंटर रीजनल इक्विलिटी, फिफ्थ था हाई ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट, हाई रेट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ताकि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ पाए, सिक्स था हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, और सेवन्थ जो कि बोला जाता है बहुत बार मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सर व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस? जो सरकारी खुद के एंटरप्राइज है बेटा, रेलवे डिपार्टमेंट किसका है, सरकार का। अगर मैं बोलूँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल किसकी, सरकार की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किसकी है, सरकार की। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किसकी है, सरकार की। जो तुम्हारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो किसके है, सरकार के। तो सरकार का ये भी काम होता है, जो उनका रेलवे डिपार्टमेंट है, LIC डिपार्टमेंट है, क्या इनको भी मैनेज करना पड़ता है? हाँ, सरकार बेटा यहाँ की चीजें चेंज करके पूरी इकोनॉमी को बैलेंस करने की सोचती है कि किस प्रकार से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिनको कंट्रोल ही सरकार कर रही है, LIC को कंट्रोल सरकार कर रही है बेटा, SBI को कंट्रोल सरकार कर रही है, रेलवे डिपार्टमेंट को सर कंट्रोल सरकार कर रही है, एयर इंडिया को कंट्रोल सरकार कर रही है। तो बेटा ये जितने भी डिपार्टमेंट है सरकार को इस प्रकार से मैनेज करे ताकि 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 आप एक अच्छा चीज अच्छा प्रॉफिट कमा पाए। तो बेटा ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट।